तो सूत जी शौनकादि ऋषियों से चर्चा करते करते भगवत साक्षात्कार की, भगवत दर्शन की विधि अपने मुख से कह रहे हैं कि पवित्र तीर्थों का सेवन करने से उस तीर्थ में वास करने वाले, उस तीर्थ में रहकर साधन करने वाले संतों का दर्शन होता है, उनकी सेवा का अवसर मिलता है, उनका सानिध्य मिलता है। और जब ऐसे जनों का सानिध्य मिलता है और उनके मुख से जब भगवत कथा, भगवत वार्ता का श्रवण किया जाता है, तब भगवान की कथा में रुचि की प्राप्ति होती है। गत सत्र में यही हमने चर्चा को विराम दिया था। एक है सुनना, केवल कान से सुन लेना, और एक है श्रवण करना। जैसे एक है आंख से देखना, देखो आप अपने घर से निकले, आपको कहीं जाना है, मार्ग में अनेक अनेक वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर आपकी दृष्टि जाती है, आप देखते हो, लेकिन उन सब की स्मृति आपके मन में नहीं रह जाती है। प्रत्येक वस्तु जो आपने देखी है या प्रत्येक व्यक्ति जो आपने देखा है, वो आपके स्मरण में नहीं रहता है, क्योंकि आपने केवल आंख से देखा है, आंख के साथ में मन नहीं है। लेकिन जहां आंख भी हो और मन भी हो, जहां आप मन से देख रहे हैं, उसे दर्शन कहते हैं। तो देखने और दर्शन में क्या भेद है? देखना केवल आंख से देखना है, और दर्शन में देखने की रुचि भी है। ऐसे सुनना सिर्फ कान से सुनना है, पर श्रवण में सुनने की रुचि भी है। तो ऐसे कभी कभी सुनते सुनते बहुत समय निकल जाता है, लेकिन वो श्रवण नहीं होता। श्रवण माने जहां सुनने की रुचि हो। और ये जो सुनने की रुचि है, कहने ये प्रसाद से मिलती है। तो बड़ी सुंदर प्रक्रिया श्री सूत जी कह रहे हैं। अरे तीर्थों का सेवन करने से क्या मिलेगा? बोले संतों का दर्शन होगा, उनकी सेवा, उनका सानिध्य मिलेगा। जब उनके सानिध्य में जाकर बैठोगे, उनके पास जाकर बैठोगे, तो उनके मुख से कुछ भगवान का गुण, भगवान की वार्ता कथा श्रवण करने को मिलेगी। और जब संतों के मुख से भगवान की कथा सुनोगे, फिर भगवान की कथा में रुचि होगी। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कथा श्रवण को भी एक भक्ति कहते हैं। अगर श्रवण में आसक्ति हो जाए तो वो भी एक भक्ति है। और ऐसे ऐसे दो संतों का मैंने अपने जीवन में दर्शन किया है, जो भोर से लेकर सांझ तक उनका एक ही नियम है, बस भगवान की कथा, भगवान की कथा ही श्रवण करते हैं। जब श्री रघुनाथ जी ने श्री शबरी जी से नवदा भक्ति की बात कही, तो उसके बाद प्रभु एक बात कहते हैं कि नव महु एकहुं जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर सुई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। कह रहे नव महु एकहुं जिनके हुई, भगवान कह रहे नौ में से एक भी यदि किसी के जीवन में पूर्ण रूप से हो, तो वो मुझे अतिशय प्रिय है। माने एक भक्ति भी अपने आप में पूर्ण है। और फिर प्रभु ने कहा शबरी जी से कि आप में तो नौ की नौ भक्तियां पूर्ण हैं, तो एक भी अपने आप में पूर्ण है। किसी एक भी भाव में आपका मन पूर्ण रूपेण लग जाए, बस बात यहां पूरे तरीके से लग जाने की है। जीव की दुर्दशा क्या है, हमारी स्थिति क्या है, जो श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि इत व्यवहार न उत परमारथ, और बीच ही बीच जो जन्म गमायो। बीच ही बीच जो जन्म गमायो, ये दुर्दशा है जीवन की। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा द्वंद है। जब दो रास्ते हैं आपके सामने, द्वंद जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। इस द्वंद से मुक्ति हो, कोई एक मार्ग रह जाए और थोड़ा सा भी जीवन में सत्संग हुआ, तो ये बात समझ में आ जाएगी कि वो एक मार्ग कौन सा होना चाहिए। संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, और ये तन अति छिन्न भंग धुआं को धौरहर।
देखो मेहनत संसार का आदमी भी करता है और पुरुषार्थ संतजन भी करते हैं, पर संसार का जो व्यक्ति है, व्यवहार में पड़ा जो व्यक्ति है, वो असार वस्तु, मिथ्या वस्तु, क्षणभंगुर वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, संत सार वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इसलिए उसका प्रयास सुखद भी होता है, उसका प्रयास सफल भी होता है। और व्यवहार में जो व्यक्ति लगा है भाई पचमर, तो वो भी रहा है, और मुझे तो लगता है कि व्यवहार में अधिक परिश्रम करना पड़ता है, जीव चक्की में पिसता है दिन रात। तभी तो कबीर जी ने कहा कि दो पाटन के बीच में और साबत बचा न कोय, सब कुछ दे देने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। और ये जो विवेक है, ये जो बुद्धि है, जो सत असत का, सत असत का ज्ञान जिसके पास में है, ऐसी बुद्धि, अरे ऐसी बुद्धि संतों के पास, उनके उनके मुख से भगवत कथा सुनने पर ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है। सेवक जी महाराज ने सबसे पहली बात यही मांगी है श्री महाप्रभु जी से, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश विलास। देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, हमारी बुद्धि में विमल विवेक का प्रकाश हो। तो जो श्रवण के प्रति जो उत्सुकता है, जो लालसा है, ये प्रसाद से मिलती है। तो तीर्थों में संत मिलेंगे, संतों से श्रवण की लालसा मिलेगी, भगवत कथा में रुचि मिलेगी। और कह रहे बस भगवत कथा में रुचि हो जाए, एक बार भगवत कथा श्रवण में आपकी रुचि हो जाए, दौड़ दौड़ कर जाए मन, ध्यान देना मैंने ये नहीं कहा तन, दौड़ दौड़ कर जाए मन कथा में, कथा में रुचि हो गई, तो फिर तो वो कह रहे कि भगवान कान के रास्ते हृदय में जाएंगे और अपने स्वरूप का विमल प्रकाश कर देंगे, आत्मा को आनंद से भर देंगे। अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनी। सूत जी ने कहा इसी से जो बुद्धिमान लोग हैं, बोले वो नित्य निरंतर बोले भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद की भक्ति में निमग्न रहते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। देखो भूख लगी, आपने मन चाहा भोजन किया, थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता हुई, लेकिन क्या वो प्रसन्नता रही? ना, वो प्रसन्नता रही नहीं। मन चाही वस्तु मिली, मन थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो गया, लेकिन क्या मन की प्रसन्नता रही? ना, मन की प्रसन्नता रही नहीं। और संसार के विषय की तो वास्तविकता ये है कि उसका स्पर्श करते ही उससे मिलने वाला सुख जो है वो धीरे धीरे क्षीण होता है और क्षीण होते होते समाप्त हो जाता है। ये नियम है, जो बना है वो बिगड़ेगा। अनुभवी संत अपनी अपनी वाणी में कहते हैं कि जो बढ़िया सो पझना एक दिन, जो कड़िया सो टहना, जो बनाए वो बिगड़ेगा। कहीं आप देख लेना, जहां तक आपका मन बुद्धि जाता हो, आप विचार कर लेना इसका, कोई भी सुख जिसमें आपकी सुख बुद्धि है, जैसे ही आपको मिला, बस प्राप्त होते ही, उसका स्पर्श होते ही वो घटा, और फिर घटते 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 समाप्त हुआ, और फिर कहानी यही नहीं है कि वो समाप्त हो जाता है। अगर इतना भी हो तो कोई बात नहीं, वो केवल समाप्त नहीं होता, फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख ना हो, वो राग देकर जाता है। संसार का जो क्षणभंगुर सुख है वो आपको राग के बंधन में बांधेगा। राग माने उस सुख को प्राप्त करने की लालसा फिर होगी। बहुत बार आप अपने मन को समझाओगे कि ना ये रास्ता ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि अंतर में जो अंतर्यामी बैठा है वो तो पग पग पर सचेत करता है ना। लेकिन जैसे शास्त्र कहता है, काम आतुराणाम न भयम न लज्जा, काम से आतुर व्यक्ति को न भय है न लज्जा है, उसको कोई संकोच नहीं होता। ऐसे ही संसार के, ऐसे विषय के सब सुख है, जब राग के बंधन में बंधा होता है जीव, तब तब किसी बात का विचार नहीं होता, और बस वो कुमार्ग पर चलता चलता अंत में अपना पतन करा ही लेता है। तो ऐसा नहीं है कि संसार का सुख थोड़े समय बाद समाप्त हो जाता है। थोड़े समय बाद समाप्त तो होता है, पर विडंबना केवल इतनी नहीं है,
वो समाप्त भी होता है और पीछे बड़ा भारी दुख भी छोड़कर जाता है। सुखानुशयी राग, इसी का नाम राग है, बांध के जाता है वो। संसार का कोई भी सुख आप देख लें, आप छू लें, वो आपको बांधेगा, आपको जकड़ देगा। और पराधीन सुपनेहु सुख नाही, संसार का सुख पराधीन बनाता है। जिस भी वस्तु, जिस भी व्यक्ति में आपकी सुख बुद्धि है, वो ध्यान से सुनना, आपको लगता है ना कि अमुक व्यक्ति से हमको सुख मिलेगा, अमुक वस्तु से हमको सुख मिलेगा, जिस भी वस्तु या व्यक्ति में आपकी सुख बुद्धि है, आप उसके अधीन हो। और ये सिद्धांत अपेल है, पराधीन सुपनेहु सुख नाही। व्यास जी तो दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, मेरी पराधीनता मेटो हरिकिन, कि प्रभु मेरी इस पराधीनता को समाप्त करिए, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। पर बस जीव स्वबस भगवंता, प्रभु आप स्वतंत्र हैं। तुलसी बाबा बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कह रहे जो ही बांध है सोई छोरे, और कहते हैं ये जो मोह का रज्जू है, ये जो मोह का बंधन है, इसमें तो तुलसी बाबा ने निर्णय दे दिया, बोले छूटे तुम्हारे छोरे, बोले आप प्रभु जिसको मुक्त करें वो मुक्त हो सकता है। और प्रभु आपको मुक्त करना चाहते हैं, इसका लक्षण क्या है, कि आपके जीवन में कोई संत आएगा, आपके जीवन में सत्संग आएगा, आपके जीवन में सद्विचार आएगा, आपकी बुद्धि को विमल विवेक का प्रकाश मिलेगा। ये लक्षण है कि अब प्रभु आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं। कई बार मैंने आपसे कहा भाई कि विचार से ही आदमी बंधा है और विचार से ही मुक्त भी होता है। बंधन और मुक्ति विचार में ही है, विचार से ही है। मन की अनेक अनेक प्रकार की आशाओं के बंधन से ही तो हम संसार से बंधे हैं। प्रभु की कृपा का सूर्य उदय हो, सत असत का बोध हो जाए, खबर पड़ जाए, झूठ क्या, सच क्या, अपना क्या, पराया क्या, समझ आ जाए। उसी क्षण कोई गा उठता है, हम ना मरे मरी है संसार, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार। अभी हम जयपुर में थे ना, तो किसी ने अपने मन का भाव ऐसे लिखकर भेजा, उसने कहा कि और तो किसी प्रकार का परिवर्तन अभी हम नहीं देखते हैं, पर पहले आपकी बात समझ नहीं आती थी, अब आपकी बात समझ में आने लगी। मैंने कहा बस यही सत्संग कृपा है, सार की जो बात है ना वो समझ में आने लगे। आप मान लेना भाई इस बात को कि एक नहीं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अरे गुरुजन प्रयत्न कराते हैं पर अंतरा कहियावत। ये जो तुलसी बाबा ने कहा ना, अंत राम कहियावत नाही, अंत में भगवत स्मरण नहीं होता, भगवान में मति गति नहीं होती। भगवान में मति गति अंत में किसकी होगी, इसने जीवन भर अभ्यास किया होगा, उसी के अंत में भगवान में मति गति होती है। परीक्षा का क्षण तो वो अंतिम क्षण है ना, अब सारा जीवन आप खूब नाच कूद करते रहे, अंत में भगवान का स्मरण नहीं हुआ, और वहां बुद्ध जन कह रहे भाई अंत मति सो गति। इसलिए भक्त बड़ा चतुर है। सूरदास जी तो प्रभु से कहते प्रभु आप जीवन भर मत देखना हमारी ओर, हम आपका भजन करेंगे, टूटा फूटा आधा अधूरा जैसे भी होगा आपका भजन करेंगे, आपका कीर्तन करेंगे, आपका गुण गाएंगे, पर उसके बदले आप जीवन भर हमारी ओर ना देखना, पर अंत समय सुध लीजिए, अंत समय आप मेरी सुध ले लेना, वो जब क्षण आए तब आप कृपा करना। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, मूरत ये मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले, उस समय आपकी आपका स्मरण हो जाए, तभी तो ये बात बाली नहीं तो गई जब भगवान सन्मुख खड़े थे।
प्रभु ने एक बार तो कहा कि मैं जीवन दान दे सकता हूँ तुम्हें, तुम कहो तो मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। उसने कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और वही वही साकार ब्रह्म इस समय मेरी दृष्टि का विषय है, आप कृपा करके मेरे सन्मुख खड़े हैं। ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? अपने साधन से तो जीव ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता है। वहां जब भीष्म पितामह के प्रयाण का समय आया तो भीष्म पितामह ने कहा भाई बहुत कथा सत्संग हो गया, बोले प्रभु बस अब आप मेरे सन्मुख आकर खड़े हो जाइए, आप सन्मुख हो जाइए, बस आपका दर्शन करते करते मैं जाना चाहता हूं। जीव की जन्म जन्मांतरों की साधना की अंतिम सिद्धि यही तो है कि अंत समय भगवत स्मरण हो जाए, पर वो नहीं होता। अरे एक नहीं अनेक जन्म यत्न होता है, पुरुषार्थ होता है, पर अंत में गति जो है भगवान की ओर नहीं होती, इतना कठिन है। इसलिए अगर बात समझ आनी शुरू हो गई है, आपको सीधी सच्ची बात समझ में आ रही है, बस यही सत्संग की कृपा है। अर्थात सत्संग की कृपा से जीवन में विवेक का प्रकाश हो रहा है। तो सूत जी कह रहे हैं अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसाद। कह रहे साधन तो करो, पुरुषार्थ तो करो, पर तन मन की थोड़ी देर की वो अल्प काल की वो क्षण भंगुर सी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए नहीं, कुछ ऐसा प्रयास करो जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाए, जिससे आपको वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त हो। मैं तो कई बार कहता ही हूं कि अभी तो जीवन में सारी खुशी जो है ना वो उधार की है, किराए की है, ये अपनी प्रसन्नता नहीं है। भगवान श्री ध्रुवदास जी कहते हैं सो सुख दुख समझानिए, अरे सो सुख दुख समझानिए हुए पराए। एक बार एकांत में बैठकर सोचो, देखो किससे मिलती है आपको प्रसन्नता, किसी के साथ रहने से मिलती है, आपके पास कुछ कुछ विशेष वस्तु हो उससे आपको प्रसन्नता मिलती है, भोजन में प्रसन्नता है। देखो एक बार आत्मविश्लेषण करना चाहिए, भाई मेरी प्रसन्नता कहाँ है, कहाँ रहती है मेरी प्रसन्नता। इसलिए तो आपसे बार बार कहता हूं भाई कि जिस साधक के जीवन में थोड़ा एकांत, थोड़ा मौन, थोड़ा स्वाध्याय नहीं होगा उसकी तो प्रज्ञा कभी शुद्ध नहीं हो सकती। गत सत्र में आपको स्मरण हो तो मैंने आपको संकेत किया था, भगवत प्राप्त महापुरुषों ने इसको मौन साधन, चुप साधन कहा है। 10 मिनट बैठो, कुछ नहीं करना है, अपने मन की गति को देखिए, मन कहां जाता है, दौड़ दौड़ कर किसके पास जा रहा है, किसमें मन की सुख बुद्धि है, कहां मन सुख खोज रहा है, फिर जहां से है वहां से उसको लौटा कर लाना है। इसी का नाम अभ्यास है, इसी का नाम अभ्यास है। कहीं अटका है मन, होगा देखो ढूंढो तो कि मन अटका कहां है। हां, पर प्रयास उसी लिए करना जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति, जिससे आत्मा प्रसन्न हो। और लगे हाथ में आपको एक बात बताकर आगे बढ़ूं, आत्मा तो केवल परमात्मा को ही पाकर प्रसन्न होती है, आत्मा को कुछ और नहीं चाहिए। कई बार आपसे निवेदन किया ना मैंने कि तन मन बुद्धि ये सब समझौता कर लेते हैं आधे अधूरे सुख के साथ, तन भी मान जाएगा थोड़ी देर के लिए, मन भी मान जाएगा, बुद्धि भी स्वीकार कर लेगी उस आधे अधूरे सुख को, थोड़ी देर के सुख को, लेकिन आत्मा परमात्मा को खोज रही है, उसे कुछ और नहीं चाहिए। और ये जो आपकी मेरी यात्रा है, जन्म जन्म की यात्रा, इसका एक ही तो कारण है कि अभी आत्मा को परमात्मा नहीं मिले। और जिस दिन ये मिलन हो जाता है उस दिन यं लब्धवापमां अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। उसी का संकेत संतों ने किया, जाहि लहे कछुलैन की चाहना हिय में हो। संत कहते हैं चाह ही तो बुरी है संसार की, चाह बुरी सबसे बुरी, और चाह नीच में नीच। और संत कहते हैं तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच।
ये संसार की चाह नहीं तो दर दर की ठोकर खिलाई। तो ऐसे एक बार देखो, एक बार मन के पीछे जाकर देखो, कहां जाता है मन, किसके पास जाकर बार बार बैठता है, कहां अटका है मन, किससे सुख खोज रहा है, कहां से सुख पाना चाह रहा है। कई बार इस विषय पर हम चर्चा करते रहे कि भाई यही प्रक्रिया है, सब संतों ने अपने मन से बात की है, रे मन ऐसे कर संन्यास। महाराजदास कहते हैं, चल मन हरि चट सार पढ़ा। कबीर तो बात ही अपने मन से कह रहे हैं, कर रहे हैं। मानस जैसा ग्रंथ रच दिया श्री गोस्वामी जी महाराज ने, पर कह रही किस लिए, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांतः सुखाय, ध्रुवदास जी ने 42 लीला का प्रणयन किया। और मैं कई बार आपसे कहता हूं और आग्रह पूर्वक की बात कहता हूं मैं, कि प्रेम का सांगोपांग वर्णन करने वाला ऐसा दूसरा ग्रंथ इस संसार में, सृष्टि में नहीं है। वो ध्रुवदास जी कह रहे, भाई क्यों किया हमने ये, या मन के अवलंब हित कीन्हू आही उपाय। बड़ा सुंदर घर बनाते हो, फिर संसार की सुंदर सुंदर वस्तुओं से उसको सजाते हो, थोड़ा एक एक घर अपने मन के लिए भी तो बनाओ। मन भी तो कहीं रहना चाहता है, मन को वो ईंट पत्थर का घर बनाकर आप सदा का सुख नहीं दे सकते। सब करके देख लो, अंत में मन बेचैन का बेचैन है। जहां आपने छोड़ा था वो वहीं का वहीं है, वो वैसा का वैसा ही है। इसी को कहते हैं गति न होना, मन की गति नहीं हो रही, मन अटका है कहीं। वही खोजना है आपको, कहां अटका है मन। हम केवल क्या करते हैं, हम एक व्यक्ति से हटा तो दूसरे व्यक्ति में अटका लिया, दूसरे से हटा तो तीसरे में, एक वस्तु से हटा तो दूसरी वस्तु दे दी, दूसरी हटी तो तीसरी। जन्म जन्म यही तो किया है। तभी संत गुरुजन कहते हैं, हो कोई ऐसो रे भेटे संत, आहा कोई संत मिले, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो मन लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। फिर जो बुद्धिमान है वो पुरुषार्थ करते हैं निरंतर, पर सार वस्तु को प्राप्त करने का। बसंत पंचमी के दिन एक छोटा सा भाव मैंने आपको निवेदन किया था कि मनुष्य भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, हम विशेष हैं और विशेष वस्तु को ही प्राप्त करने के लिए यहां संसार में आए हैं। और वो विशेष वस्तु क्या है, कह रहे ना उपजे ना बीन से। बड़ी सुंदर बात बाबा मलूकदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, सदा सुहागन नारी जो जाके राम भतारा, मुख मांगे सुख देत है, मुख मांगे सुख देत है जग जीवन प्यार। बड़ी प्यारी चार पंक्तियां गाइए, सदा सुहागन नारी सो जाके राम भतारा, मुख मांगे सुख देत है जग जीवन प्यार। ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई, ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूक यह जान के,
है मलूक यह जान के मैं प्रीत लगा, कह मलूक यह जान के मैं प्रीत लगा। मैं तो भाई इन संतों के शब्दों का ही दर्शन करके और सदा आनंद में रहता हूं। ये चार पंक्तियों में पूरा ग्रंथ लिख दिया। यानी सदा सुहागन नारी सो जाके राम भतारा, मुख मांगे सुख देत है जग जीवन प्यारा। देखो आपने कभी नहीं सुना होगा कोई ये कहता हो कि आत्मा होता है। आत्मा को जब भी संबोधन दिया जाता है तो ये स्त्रीलिंग बोधक है, आत्मा होती है। और परमात्मा होती है ऐसा कभी नहीं कहा जाता, परमात्मा होता है ना। तो आत्मा को जन्म जन्म से उसी भव भव के भरतार की ही तो खोज है। इसीलिए मैंने आपको कहा मन बुद्धि ये सब आधा अधूरा पाके थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, पर आत्मा तो परमात्मा को ही खोज रही है। आपको और मुझे सहयोग करना है अपनी आत्मा का। आत्मकल्याण किसे कहते हैं कि आत्मा जो चाहती है उसमें आत्मा का सहयोग किया जाए। आप और मैं क्या करते हैं, उल्टे अपनी आत्मा को सताते हैं। हम जो कर्म करते हैं वो बीज ऐसा पड़ता है जो हमारे लिए ही कांटा बनता है, हमारे लिए दुख और क्लेश का कारण बनता है। आपको याद हो पिछले सत्र में मैंने आपसे कहा था कि जैसे पर पीड़न पाप है ऐसे आत्म पीड़न भी पाप है। अपने आप को मत सताइए। जब छल करते हो, कपट करते हो, तो ये सब कार्य आप अपने आप को सताने की व्यवस्था कर रहे हो। ये अपनी आत्मा को सताने की व्यवस्था है। आत्मा का सहयोग करना है। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा को खोज रही है। अब देखो आत्मा का सहयोग कैसे कर सकते हो। थोड़ा सत्संग हो, थोड़ा सुमिरन हो, थोड़ा स्वाध्याय हो, थोड़ी सेवा हो, ऐसे अपनी आत्मा का सहयोग करिए। थोड़ी देर बाद जाके पता चलेगा कि हम अपनी आत्मा का सहयोग नहीं कर रहे, हम अपना ही सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं कौन हूं, मैं प्रभु का हूं, अहम तवास्मी। थोड़ी देर बाद जाके पता चलेगा अपनी आत्मा नहीं, मैं ही हूं जो खोज रहा है जन्म जन्म से प्रभु को। तो संत कह रहे हैं कि सदा सुहागन नारी सो जाके राम भतारा, मुख मांगे सुख देत है जग जीवन प्यारा। और जो भी आपसे मैंने निवेदन किया, हम विशेष हैं, विशेष वस्तु को प्राप्त करने के लिए आए हैं। और वो विशेष वस्तु क्या है? ना उपजे ना वीन से संतन सुखदाय। आगे इसी विषय पर चर्चा की गई है। सूत जी महाराज यही बात शौनकादि ऋषियों से कह रहे, बड़ी गंभीर वार्ता है। इसलिए बहुत सावधान होकर आज की बात सुनना। इसीलिए श्रीमद् भागवत विशेष है, क्योंकि सत्य वस्तु का निरूपण करती है, उसका संकेत करती है, उसके लक्षण बताती है, उसको प्राप्त करने की विधि बताती है। सत्य वस्तु जो ना उपजे ना बीन से, तो कह रहे वो विशेष वस्तु क्या है। विशेष वस्तु का लक्षण आपको शायद गत सत्र में मैंने कहा था ना कि जो आए और जाए, जो पैदा हो और मर जाए, उसकी अवधि कितनी भी हो, 100 साल की हो, 1000 साल की या लाख साल की, पर जो आ रहा है और जा रहा है वो सब काल ब्याल को खायो, वो विशेष नहीं है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। जो मिटने के लिए बना है, जो एक दिन बिगड़ जाएगा, वो उसमें कोई विशेषता नहीं जाननी चाहिए। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने सार सिद्धांत व्यास जी को कहा, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल व्याल को खायो। विशेष वस्तु क्या है? विशेष वस्तु दो है। नाभा जी ने अपने भक्तमाल में मंगलाचरण में विशेष वस्तु को स्पष्ट कर दिया, भजवे को दोई सुघर के हरि दास, या भगवान के भक्त, ये विशेष वस्तु है। बाबा मलूकदास जी यही कह रहे हैं, कह रहे विशेष वस्तु से प्रीति लगाई है मैंने, उसका गुण क्या है? ना उपजे ना वीण से संतन सुखदाई, कहे मलूक यह जान के
कह मलूक यह जान के मैं प्रीत लगा, जान के मैं प्रीति लगाई। क्यों? जाने बिन नहीं हुई प्रतीति और बिन प्रतीति हुई नहीं प्रीति। इसलिए तो यहां जो आदमी प्रेम प्रेम करता है कभी यहां कभी वहां, अंत में बेचारा दुख पाता रोता मिलता है, क्योंकि जाना नहीं, जाने बिना प्रेम का वो अमूल्य भाव लगा दिया कहीं। इसीलिए तो संत सावधान कर रहे हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। इसलिए तो संत कह रहे हैं प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, नंद नंदन सो कीजे, संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाले कृपा करे सो जीजे। प्रीति तो नंद नंदन से कीजे। कोई भी वस्तु कोई भी भाव कहीं भी लगाना, प्रेम की बात जब आए तो प्रेमास्पद तो केवल भगवान है, केवल भगवान। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे। अब कोई कहेगा कि बोले प्रेम कोई किया जाता है, प्रेम तो हो जाता है ना, वो संसार का होता होगा। जिसको आप प्रेम कहते हो वस्तुतः वो प्रेम नहीं, वो आकर्षण होता है ना, वो आकर्षण है, इसलिए वो हो जाता है, आपको लगता है हो गया, पर प्रेम है नहीं। प्रेम का बीज आपके मेरे सबके हृदय में है, उसकी थोड़ी व्यवस्था करनी है आपको, मुझे थोड़ी भूमि तैयार करनी है, सत्संग की बाड़ लगानी है और भजन के जल से उसको सींचना है। ये व्यवस्था ध्रुवदास जी ने बताई है। प्रेम बीज उपजय मन माही, तब सब विषय वासना जाही। तो विशेष वस्तु ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई। कितनी सुंदर बात कह रहे, कहे मलूक यह जान के मैं प्रीति लगाई। गोपियों को पहले प्रतीति हुई है, गोपियों को श्री कृष्ण के स्वरूप की प्रतीति है। गोपी गीत का यह श्लोक स्पष्ट करता है कि गोपी को श्री कृष्ण के स्वरूप की प्रतीति है, वो जानती है ये कौन है। नखलु गोपिका नंदनो भवान खेल देहिना अंतरा। गोस्वामी जी को अपने श्री रघुनाथ जी के स्वरूप और स्वभाव की प्रतीति है कि कौन है, कैसे हैं ये। और जाने भी नहीं हुई प्रतीति, पहले जानना यही विशेष वस्तु क्या है। आप देखो, जिसके जीवन में सत्संग न हो, जिसके जीवन में कोई संत ना हो, जिसके जीवन में सत्शास्त्र ना हो, उससे जाकर आप पूछो भाई विशेष वस्तु क्या है। उसके पास साइकिल होगी तो कहेगा मोटरसाइकिल विशेष है, मोटरसाइकिल होगी तो कहेगा गाड़ी विशेष है, गाड़ी होगी तो कहेगा बढ़िया गाड़ी विशेष है, नहीं तो कहेगा हवाई जहाज विशेष है। मैंने उसकी बुद्धि की गति इसी परिधि में तो होगी, वो जड़ वस्तु को ही तो विशेष समझेगा। तो पहले संतों से ये जानना चाहिए कि भाई हम भी विशेष हैं और विशेष वस्तु प्राप्त करने के लिए आए हैं, और वो विशेष वस्तु क्या है, उसका एक लक्षण है ना उपजे ना बीण से, जो ना उत्पन्न हो, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है वो तो नष्ट होगा। ना उपजे ना बीण से, और जब इस कसौटी पर आप किसी को कसेंगे कोई नहीं मिलेगा एक के अतिरिक्त। यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। आहा, स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो जाहित आगे और हित लागे फीको,
कमल नयन सो कमल नयन सो हित तो कीजे कमल नयन सो कमल जाहित आगे और हित लागे फीको कमल नयन सो कमल नयन सो के हित कीजे साधु संगति सो साधु संगति सो जावे कलमश जी को कमल नयन सो कमल नयन सो हित तो कीजे कमल नयन सो कमल नयन सो। ऐसे तो पद बड़ा ही प्यारा है, अंतिम पंक्ति तो बड़ी मार्मिक है। कह श्री हरिदास हित कीजे बिहारी सो कीजे बिहारी सो कह श्री हरिदास हित कीजे बिहारी सो कीजे बिहारी सो। कारण भी बता रहे हैं, क्यों कह रहे हैं हम ये बात कह हरिदास हित कीजे बिहारी सो। और निवाहे जाने जी को जाने जी को कमल नयन सो हित तो कीजे कमल नयन सो कमल नयन सो कहे श्री हरिदास हित कीजे बिहारी सो कीजे बिहारी सो। और निभाए जाने जी को कमल नयन सो कमल नयन सो हित तो कीजे कमल नयन सो 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 कमल। अब देखो यह स्वामी जी भी कह रहे हित तो कीजे, ये जो तो शब्द कहा ना वहां परमानंद स्वामी कह रहे प्रीति तो नंदन नंदन से कीजे। जब आप एकाग्र चित्त होकर दत्त चित्त होकर संत की बात का संत के शब्द का चिंतन करते हैं, उसके अर्थ का जब आप विचार करते हैं, तो वो अपने रस रहस्य का उद्घाटन करता है। इसलिए हमको केवल केवल कथा नहीं कहनी है, उसका अर्थ विचारना है। यहां अर्थ विचार हो रहा है, एक एक शब्द का अर्थ विचार करना है हमको। हित तो कीजे, मैंने जब हित की बात आए, जब प्रेम की बात आए, जब प्रीति की बात आए, तो बोले कहीं अन्यत्र न देखना, प्रीति तो नंद नंदन से कीजे। और ये तो मैं सदा ही आपसे कहता हूं भाई कि दोनों वस्तु विशेष हैं, और इन दोनों में से भी एक का चयन करना हो तो व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार हरि सो धन हृदय दियो और छुड़ा दियो संसार। संत चरण से लगोगे तू बुद्धि में उजाला कर देगा, अंतर का अंधकार दूर कर देगा। और पहले भी कभी आपको मैंने संकेत किया था, आप देखना मन हमेशा उसी के पीछे भागता है जिसको वो मूल्यवान समझता है। अभी तक मन संसार को मूल्यवान समझता है तो उसके पीछे जा रहा है, उसका भजन कर रहा है। जिस दिन मन को इस विशेष वस्तु की प्रतीति हो गई
कि विशेष वस्तु क्या है, किस लिए जीवन मिला है, तो संसार तो भाई ऐसे छूट ही जाता है, बहुत पीछे छूट जाता है कहीं। इसीलिए नारद जी ने कहा भक्ति सूत्र में, यद ज्ञात्वा, जिसको जान लेने से, पा लेने से नहीं कहा, यद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रावो भवति। यद ज्ञात्वा, जिसको जान लेने मात्र से कोई मत्त हो जाता है, सत्व गुण में स्थित हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है, और फिर अगर उसको प्राप्त कर ले, यद प्राप्य, तो न किंचित वांछति न शोचती न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवती।